कोरोना काल में ऐसे है कि पहले तो मैं बाहर पढ़ने नहीं जाता था, कि हर घर से मतलब तकलीफ नहीं आई, कोई उतनी कोई हमें हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं जी। बाकी बच्चों की आज़ादी है तो आजकल तो सारी आज़ाद है जी, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। और कोरोना काल में तो पूरा कारोबार ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा जी, कोई चीज मतलब नहीं रही, ना व्यापार रहा, ना लेना ना देना, कुछ नहीं। अच्छा जी, अच्छा इसके बीच में बच्चों की एजुकेशन को लेके आप समाज में जिस तरह से हरासमेंट बच्चों की हुई है, बच्चों की पढ़ाई को लेके, आजादी को लेके, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशन कैसे थी, एजुकेशन तो मतलब खत्म ही हो गई। जैसे स्कूल, जब भी स्कूल खुलते हैं तो मास्टरों को कोरोना हो जाता है जी, जब स्कूल बंद होते हैं तो किसी बच्चे को या टीचर को कोरोना नहीं होता है जी। बस स्कूल खुले नहीं और ये जो पॉजिटिव स्कूल खेल रहे। अच्छा जी, तो आप मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना है, सरकार जो करेगी वो ही करना है सरकार ने, बाकी तो कुछ नहीं करना है। कोई मदद सरकार नहीं देती है, जो देती है वो सरकारी डिपो में मिलता है, राशन वगैरह वो ही सरकार करती है, और सरकार ने क्या करना है। सरकार कैसे, सरकार का है पानी, बिजली, सड़क, वो सुविधा में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकार से कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी हमारी सरकार से कोई नाराजगी जी जी। तो कोरोना काल के चलते जैसे पीछे 2-3 साल से समाज ने, लोगों ने, देश विदेश में जिस तरह से लोगों ने पीड़ा झेली है, तो बहुत कुछ लोगों ने कुछ खोया है, अपनों को खोया है, तो उसमें जिन्होंने खोया है नहीं खोया है, आप उस पर क्या कुछ लोगों के लिए संवेदना दे सकते हो? हमारे इलाके में कोई कोरोना किसी को नहीं रहा, यहाँ से 20 लोग हाँ जो बाहर से आए उनको आइसोलेट वगैरह किया वो अलग बात जी, मगर यहाँ ना कोई कोरोना से मरा ना किसी। अच्छा जी, हमारे आप 20 गाँव घूम लो किसी को कोरोना नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है जी, बहुत बढ़िया। कहने को क्या देते, कोरोना फैल गया, फैला हुआ कई शहरों में फैला हुआ, हमारे हिमाचल में, यहाँ हिमाचल की बात नहीं, अपने विधानसभा की बात करो, यहाँ कोरोना नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी विधानसभा है ये? सुजानपुर। अच्छा, शॉपकीपर हैं आप, ठीक है। तो यहाँ का मौसम, जलवायु वगैरह कैसी है? मतलब अभी कब तक ठंडी रहेगी? अप्रैल तक। अच्छा, अप्रैल तक जी। अच्छा जी, और तो बारिश भी काफी पीछे काफी हुई है बारिश। अच्छा, उस बारिश की वजह से कुछ ऐसा मौसम या खेती बाड़ी पे इस तरह का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ेगा, बढ़िया होगा।